बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई, अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और 15 जनवरी से धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। तो उस वक्त की बड़ी खबर, जो राम मंदिर बन रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में 22 जनवरी की तारीख को यहां पर तय किया गया है। 19 जनवरी से तमाम जो अनुष्ठान है वो शुरू हो जाएंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसका हिस्सा बनेंगे। और विक्रांत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रांत, और क्या जानकारी? देखिए, जो रामलीला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, उन्होंने आज कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र भेजा गया था, क्योंकि जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो प्रधानमंत्री कार्यालय से एक स्वीकृति लेनी होती है, जिसके बारे में वहां से भी स्वीकृति आ गई है और 22 जनवरी की तारीख बताई गई है। तो ये माना जा सकता है कि 22 तारीख को अयोध्या में रामलला का जो मंदिर बन रहा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। एक हफ्ते तक 15 जनवरी से वहां पर कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे जो 22 जनवरी तक चलेंगे। और साथ साथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने भी ये कहा है कि 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगले साल नए साल की शुरुआत में जो एक हफ्ते तक 15 जनवरी से 22 जनवरी तक वहां पर बड़ा कार्यक्रम होगा। 22 जनवरी को जो मुख्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और साथ ही साथ दिसंबर तक ये कहा जा रहा है कि मंदिर का जो प्रथम निचले जो ग्राउंड फ्लोर का काम है वो पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा, जिसके बाद ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। जी, और पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम रखा जाएगा। और तमाम जो राम भक्त हैं उनके लिए ये खुशी की खबर है। और आपको बता दें, उत्सव की तरह पूरे देश में दीपावली की तरह इस आयोजन को किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसका हिस्सा बनेंगे, वहां पहुंचेंगे।